हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, मैंने इससे पहले 4 या 5 वीडियोस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बनाई थी और जो भी न्यूज़ बताई थी मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ बताई थी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल का जो मेल है वो फाइनली आ गया है आज। जिसका नहीं आया है उसका भी आप ये मान के चलिए धीरे धीरे वो सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी आ जाएगा। तो मेरे एक फ्रेंड को ईमेल आया था, उसने मेरे साथ शेयर किया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिंगल विंडो ऑपरेटर क्लर्क। डियर कैंडिडेट, वेलकम टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रोविजनल अलॉटमेंट एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर दिस एंड दिस। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि यूर अलॉटमेंट इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन एज लेट डाउन इन द प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, विच हैज़ बीन सेंड टू यू इन ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑन द कम्युनिकेशन एड्रेस प्रोवाइडेड इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अवर ऑफिस एट द बिलो मैंशन एड्रेस बिटवीन 8/10/2022-21/10/2020, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो इन डेट में आप कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जानी है, 10 आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, जो आपकी IBPS एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी उसके सेम वैसी होनी चाहिए वो। एड्रेस प्रूफ, आपका पैन कार्ड, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड एंड नोटिफाइड फॉर्मेट इफ़ एप्लीकेबल, विच इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन बैंक्स वेबसाइट। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो। और ये मेरे फ्रेंड है जिसको आया था, वो है चंडीगढ़ जोन का आया, उनको बैंक स्क्वायर से। और मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन एंड सबमिट अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम दी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एंड दिस। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से करवा सकते हो या फिर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर हैविंग टाई अप अरेंजमेंट विद अबव मेंशन ऑफिस अलोंग विद द टेस्ट रिपोर्ट फॉर बैंक रिकॉर्ड। ठीक है, तो इन्होंने कुछ अपनी यहाँ पे इसके अंदर मेल के अंदर कुछ ना कुछ अपना वो भी दिया होगा। ठीक है, अटैच होता है वो आपका। ठीक है, उसने पूरा मेल नहीं भेजा है बट ये है कि ऑलमोस्ट इन्होंने बता दिया है। और ट्रेनिंग का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग आपकी 15 नवंबर से बोल रहे थे वो क्लर्क की, तो अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज एंड बीइंग फाउंड मेडिकली फिट इन द प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 2 weeks ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। द डिटेल ऑफ दिस इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी कम्युनिकेटेड टू यू इन अ ड्यू कोर्स। ठीक है, तो 8 और ये जो 21 तारीख है, ये चंडीगढ़ जोन वाले जिस स्टूडेंट को आया था ये मेल, वो उनकी वो है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया HR डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यार ये गुड न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क से रिलेटेड वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जाने से पहले मैं ये कहूँगा, मेरी ये वाली वीडियो आप उन फ्रेंड के साथ शेयर करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। एंड गाइस, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।